नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सर्किल। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभी आप थोड़ी देर पहले आपको वीडियो मिल गया होगा जिसमें कि मैंने वर्णमाला के बारे में बात की। अब मेरा तीसरा वीडियो है ये हिंदी का, इसमें आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो ये संज्ञा के बारे में इस पर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय गमाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध होता है। ठीक, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, वो सारी संज्ञाएं हैं। जैसे किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी का गुण भाव के नाम से संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राणियों के नाम हो गए जितने, ठीक है, वस्तुओं के नाम हो गए अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि, स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, थे भावों के नाम, भावों को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ वस्तु का प्रयोग, अब संज्ञा के भेद देखते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ से आगे आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से मेन हिंदी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले संज्ञा के 5 भेद पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, संज्ञा के कितने भेद होते हैं यही पूछ लिया जाता है। तो आपको ऑप्शन मानना है 5। ठीक है, अब कौन कौन से भेद हैं वो आपके याद रखने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं एक एक क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान या किसी एक वस्तु का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नाम है रवीना, किसी एक व्यक्ति का नाम है सोनिया, किसी एक व्यक्ति का नाम है हरी, किसी एक व्यक्ति का नाम सचिन। ठीक है, वस्तु का नाम जैसे कार्ड, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण इत्यादि। ठीक, तो ये एक विशेष वस्तु है। ठीक है, उनकी विशेष वस्तु के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जब किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। स्थान के नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये एक ही हैं। ठीक है, दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, सारे एक ही हैं। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, बर्मा इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे एक हैं। मतलब किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देश, राष्ट्रीय, जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी हो गए, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम जो भी हो गए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, ये सब, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, ये सारे एक ही हैं। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, दिनों, महीनों के नाम, त्योहारों, उत्सवों के नाम। ठीक है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको एक ही चीज़ याद रखनी, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जब बात होगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब हम किसी जातिवाचक संज्ञा में होता है जब हम किसी समस्त जाति के बारे में, ठीक है, समस्त एक जाति के बारे में जब बात करते हैं, जैसे बच्चा हो गया, जानवर हो गया, नदी हो गया, अध्यापक हो गया, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बच्चा जा रहा है, ठीक है, तो बच्चा जो जा रहा है वो किसी विशेष जाति का है। ठीक है, एक ही जाति का है, सारे बच्चे जा रहे हैं, कोई जानवर है तो हम उसको जानवर बोलेंगे, अगर जैसे हम बता कई सारे जानवर टहल रहे हैं तो उसको बोल दिया जानवर हैं, तो यानी किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही है, समस्त जानवरों के बारे में बात हो रही, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, समस्त उसके जाति के बारे में बात हो रही। जैसे नदियां हैं, ठीक है, किसी विशेष नदी का नाम नहीं लिया गया, बोल दिया गया कि ये नदी है यहाँ पर। ठीक है, तो नदी जो है समस्त नदियों के बारे में बात उसमें हो रही, ना कि एक नदी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जातिवाचक संज्ञा जब होगी, जब किसी संपूर्ण जाति के बारे में बात हो, जैसे मनुष्य बोल दिया जाए, मनुष्य क्या, जितने भी सारे मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, तो उन सारे के बारे में बात हो रही, तो विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में बात नहीं हो रही वहाँ पे, एक समस्त व्यक्ति के बारे में बात हो रही। ठीक, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। देखते हैं इनके उदाहरण, देखते हैं, जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि,
लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है, ठीक है। यहाँ पे पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है, जिसे हम वस्तु कहते हैं, नदी कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। मनुष्य से कहने से संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है, ठीक है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जब हम कोई विशेष भाव के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया का बोध करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होंगी, ठीक है, मतलब किसी न किसी भाव के बारे हमको यहाँ पे आभास हो रहा है, हमको वहाँ पे अवस्था की क्रिया का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी, जैसे कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साही, ईमानदारी, बचपन आदि, ठीक है। उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का भाव होता है, बचपन से जीवन की अवस्था के दशा के बारे में पता चलता है, तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएँ हैं, ठीक है। हर पदार्थ का धर्म होता है, जैसे पानी में शीतलता होती, आग में गर्मी होती, मनुष्य में देवत्व होता है, पशु में इत्यादि में, ठीक है। पदार्थ का गुण धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भी कर सकते हैं, विशेषण से भी कर सकते हैं, क्रिया से भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं, अव्यय से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबसे कैसे करते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लगाएंगे, या तो अवयव लगाएंगे या तो प्रत्यय लगा के बनते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हमको बनानी, यहाँ पे चार दिया गया। स्त्री हमारा जातिवाचक संज्ञा है, समस्त स्त्रियों के बारे में बात करी हो रही है, हमको यहाँ पे भाववाचक बनाना है, तो उसका तो स्त्रीत्व हो जाएगा उसका, मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा, शास्त्र का शास्त्रीयता हो जाएगा, पशु का पशुता हो जाएगा, धनुष का धनुषता हो जाएगा, पात्र का पात्रता हो जाएगा, ठीक है। यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। लड़का का लड़कपन हो जाएगा, दास का दासत्व हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापन हो जाएगा, भाई का भाईचारा, पुरुष का पुरुषत्व या पौरुष हो जाएगा, जाति का जातीयता, बच्चा का बचपन, नारी का नारीत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, मित्र का मित्रता हो जाएगा, पंडित का पंडिताई, सेवक का सेवा, ठीक है। तो ये सारे हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया इनको। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे, विशेषण क्या होती है, विशेषण में अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, उनको विशेषण शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाए कि ये घोड़ा, ये काला घोड़ा है, ठीक है, तो काला क्या है, घोड़े की विशेषता बतला रहा है, ठीक है, तो काला वहाँ पे विशेषण हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब विशेषण का चैप्टर आएगा वहाँ पे इसके बारे में डीपली से बात की जाएगी। पहले तो आप यहाँ पे समझ ली कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे लघु हमारा विशेषण हो गया, ठीक है, इसको लघुता, लघुत्व या लाघव बना सकते हैं, एक से एकता, एकत्व, खट्टा से खटाई, गंवार से गंवारपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, नवाब से नवाबी, बड़ा से बड़ाई, भला से भलाई, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे चार्ट दे रखा है, ठीक है, चार्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चार्ट आप देख लीजिएगा, चार्ट वीडियो को रोक कर देख लीजिए। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्रिया क्या होती, खोजना हमारी क्रिया है, उसको खोज बनाएंगे, जीतना क्रिया है, उसको भाववाचक संज्ञा जीत बनाएंगे, लड़ना लड़ाई हो जाएगा, चलना चाल चलन, देखना दिखावा दिखावट हो जाएगा, सींचना सिंचाई हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी क्रियाएं दी गई हैं यहाँ पे, झूलना से झूला, कमाना से कमाई, तो बहुत सारी क्रियाएं दी गई, आप सभी ये सब चार्ट जो है देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है पूरे सही तरीके से इसको देख लेना, ठीक है। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, संज्ञा हमारी अंत संज्ञा है, उसको विशेषण बनाना अंतिम हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अवश्य हमारी संज्ञा है, उसको विशेषण बनाना है, आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हमारे दिए गए, इच्छा से इच्छिक, ईश्वर से ईश्वरी, जुन्नत से उन्नत, ठीक है, ये पूरा चार्ट दे रखा है यहाँ पे, इसका पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप जो चार्ट को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। अब क्रिया से विशेषण यहाँ पे दिए गए, लड़ना से लड़ाकू, वड़ना से अड़ियल, लूटना से लुटेरा, पीना से पेक्कर, जड़ना से जड़ाऊ, ठीक है, ये बहुत सारी क्रियाएं से दिएंगे, ठीक है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे अपना हो गया, अपनापन, अपना अपनाव हो जाएगा, निज क्या हो जाएगा, निजित्व, निजता हो जाएगा, स्व का स्वत्व हो जाएगा, अहम को अहंकार हो जाएगा, मम का ममता, ममत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब
सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा, मंद से मंदी हो जाएगा, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता इत्यादि। अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, परस्पर से परस्पर्श हो जाएगा, समीप से समीप हो जाएगा, निकट से निकट हो जाएगा, सावास से सावासी, ये सब दिया गया, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा आप देखते हैं, अगला है चौथा समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पे हमें किसी समुदाय या समूह के बारे में जहाँ भी बात की जाती है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का भीड़, व्यक्तियों का समूह, ठीक है, उसको भीड़ बोलते हैं। जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, गौद इत्यादि, ये सारे वर्ण हैं, सब समूहवाचक संज्ञा के वर्ण हैं, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको पता ही चल गया होगा, जहाँ पे हम एक समूह के बारे में बात करते हैं वहाँ को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल संबंधी वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि, ये सारे जो हैं या तो किसी नाप में दिए जाएंगे, किसी तौल में दिए जाएंगे, ठीक है, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। संज्ञाओं का प्रयोग देखते हैं। संज्ञाओं का प्रयोग कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। जैसे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम। ऐसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक रूप में भी हो जाता है, ठीक है। पुरी से जगन्नाथ, पुरी का देवी से दुर्गा का, दाऊ से, ठीक है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संबत से विक्रमी संबत का, ये सारे दिए गए, ठीक है। गोस्वामी से तुलसीदास जी का, ठीक है। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं भी जिनको मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल आदि, ठीक है। ये है तो जातिवाचक, लेकिन इनको व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा आप। भाववाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा, जैसे हम कहें ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, पहनावे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहनावा जो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब पहनावे से वस्त्र का बोध हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। अब लिंग के अनुसार संज्ञा के रूपांतर लिंग वचन और कारक के संबंध में होते हैं, ठीक है। लिंग के अनुसार नर खाता है, नर खाती है, लड़का खाता है, लड़की खाती है, ठीक है। इन वस्तुओं में नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर होता है, ठीक है। जैसे कि नर होता है, लड़का खाता है, ठीक है। अब संज्ञा हमारी खाता है तो उस हिसाब से आएगी, अब लड़की का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे खाती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग के आधार पे भी संज्ञा का प्रयोग होता है, ठीक है। वचन के आधार पे भी होता है, जैसे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियाँ खाती हैं, एक लड़का जा रहा है, तीन लड़के जा रहे हैं, तो वहाँ पे लिंग वचन के अनुसार पे हो रहा है, ठीक है। इन वाक्यों में लड़का एक शब्द के लिए आया है, लड़के एक से अधिक शब्दों के लिए आया, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है यहाँ पे क्रिया आ रही है, ठीक है। कारक के अनुसार आते हैं, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया, ठीक है। ये तो हमारे कारक के हिसाब से आ गए। कारक आप सभी जानते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। जब कारक का वीडियो आएगा उसमें पढ़ाया जाएगा आप सबको, ठीक है। बिना कारक के चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं, ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। लड़कियां खाना खाती हैं, ये भी बहुवचन है। कारक चिन्हों के साथ जो हम देखते हैं, लड़कों ने खाना खाया, जब यहाँ पर ने जुड़ गया हमारा कारक चिन्ह आ गया ने, लड़कियों ने खाना खाया ने आ गया हमारा कारक चिन्ह, लड़कों से पूछे से जब आ गया तो कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतर लिंग वचन और कारक के रूप में होता, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे जो भी इम्पोर्टेंट इसमें संज्ञा में थे तथ्य वो हमने आपको बताए। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, सभी आपको याद रखना है, ठीक है। उनके नाम याद रखने हैं और किस किस प्रकार से हम संज्ञाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बना सकते हैं, ठीक है, भाववाचक से जातिवाचक कैसे बना सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली होंगी, ठीक है। तो ये था मेरा तीसरा वीडियो संज्ञा का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है, कल, ठीक है। आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे इसके लगातार। पहला वीडियो आपको मिल गया, मेरा दूसरा वीडियो है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे इसी तरीके जल्दी जल्दी आपको दो तीन करके वीडियो आपको ये समाप्त करवा दिया जाएगा पूरा हिंदी का। उसके बाद आपको MCQ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है। जब तक आप इनके बारे में समझेंगे नहीं होती क्या चीज़, तब आप तक आप MCQ आप जल्दी समझ नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।